नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सर्कल में। देखिए, जैसे CHSL 12 मार्च 2018 थर्ड शिफ्ट के जो GS के क्वेश्चन हैं, GA के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो देखिए, जो क्वेश्चंस SSC CHSL 2018 में आ रहे हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक में आ रहे हैं। जैसे कि सुबह अगर बांग्लादेश के बारे में कुछ पूछा है, तो शाम को कुछ उसी से पूछ लिया, और ज़्यादातर नेबरिंग कंट्री से पूछ रहे हैं, जो भी इंडिया के आसपास की जो भी कंट्री हैं, बाउंड्री जो टच लगी हुई कंट्री, उनके बारे में ज़्यादा पूछ रहे हैं। उनसे रिलेटेड तथ्य, आप जो जितने भी तथ्य हैं, उनके फ्लैग से रिलेटेड, उनकी बाउंड्री से रिलेटेड, उनके करेंसी से रिलेटेड, उनके जो भी और इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, वो आप याद करके जाइएगा, देख कर जाइएगा। तो आज 12 मार्च का थर्ड शिफ्ट का जो है GA का क्वेश्चन, उसको एनालिसिस करते हैं दोस्तों। देखते हैं, देखिए, ये रेड प्लेनेट का पूछा गया था। रेड प्लेनेट, तो इसमें ये रेड प्लेनेट मार्स होता है, मंगल ग्रह, इसको लाल ग्रह कहते हैं। देखिए, इसके दो मून्स हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है। हो सकता है पूछ लिया जाए कि रेड प्लेनेट के, मंगल ग्रह के कि उसके चंद्रमा दो कौन से हैं, यानी कि उसके उपग्रह, एक फोबोस है, डीमोस है, और डिस्टेंस फ्रॉम सन, उसकी सूर्य से जो दूरी है 227.9 मिलियन किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री हैज़ द लीस्ट बाउंड्री विद इंडिया, ठीक है। देखिए, इस मॉर्निंग शिफ्ट में भी यही पूछा गया है, और थर्ड शिफ्ट में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिएगा। थे मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था कि लार्जेस्ट पूछा गया था, और उसमें लिस्ट पूछ लिया गया। तो देखिए, मैंने फिर लिस्ट दे दी है। बांग्लादेश जो है वो पहले नंबर पे, फिर चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे कम लिस्ट जो है वो अफगानिस्तान बनाता है इंडिया के साथ में। सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो बांग्लादेश बनाता है, लेकिन सुबह के पेपर में बांग्लादेश नहीं दिया गया था, चीन दिया गया था। तो चाइना उस पेपर में चाइना आपका ऑप्शन होगा सही, और थर्ड शिफ्ट में लिस्ट पूछा गया, तो उसमें अफगानिस्तान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, FRDI एक्ट 2017 रिप्लेस विद विच विल, इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017। ये पूछा था कि इसने किस को रिप्लेस किया, इसने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसको रिप्लेस किया। नेक्स्ट पूछा था, कोल्ड एयर इज लाइटर और हैवियर देन वार्म एयर, ठीक है। जो ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा से हल्की होती है कि भारी होती है, पूछा है। तो ये दोस्तों, गर्म हवा से जो हैवी होती है, भारी होती है। जो गर्म हवाएं होती हैं वो हल्की होती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे रहती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में जो जो कोहरा धूम होता है, क्योंकि मौसम ठंडा होता है, इसलिए जो धूल कण होते हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं, और गर्मियों में हवाएं जो है गर्म हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, इसलिए ऊपर उठ जाती हैं, इसलिए हमको समझ नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट फाइनेंशियल बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो ये सनमुगम चिट्टी हैं, इन्होंने पहला फाइनेंशियल बजट इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट पूछा था, RBI डिविडेंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, RBI डिविडेंड, मतलब डिविडेंड्स मीन्स होता है लाभांश, जो भी RBI जो भी लाभ कमाती है उसका, उसको डिविडेंड बोलते हैं दोस्तों। उसमें जो है शेयर होल्डर्स के भी हिस्से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इफ्स, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इफ साउंड वेव्स फ्रॉम सोनार गोज एट 1600 मीटर पर सेकेंड एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू रिटर्न, फाइंड डेप्थ, ठीक है। तो कह रहा है कि ये सोनार जो होता है समुद्र में, नौकान जो भी नाव होती हैं, जो भी जहाज होते हैं, गहराई नापने के लिए यूज होता है सोनार। तो उसमें कह रहा है कि सोनार जो है 1600 मीटर पर सेकंड की दर से नीचे जाती, और 4 सेकंड में डेप्थ
जहाँ तक उसको जाना है वहाँ तक जाके लौट आती है, तो डेप्थ पता करनी, गहराई पता करनी, तो इसके लिए फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू 2 × डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फार्मूले में रख देंगे तो निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु फाइट बाय द गवर्नमेंट ऑन एनी केस इन सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, नेम ऑफ हाईटेक कंप्यूटर सीरीज लॉन्च इन पुणे। ये भी क्वेश्चन आप, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। अगला पूछा था करेंसी ऑफ नेपाल, नेपाल की करेंसी पूछी थी। देखिए मैंने कहा है कि जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए, उनकी करेंसी के बारे में, उनकी बाउंड्रीज के बारे में, उनके फ्लैग के बारे में, फ्लैग के रेशियो के बारे में, और उनकी जो भी वहाँ के पीएम के बारे में आपको भी जानना है ज़रूर। पीएम हैं और प्रेसिडेंट हैं जो भी हैं वहाँ के, उनके बारे में आपको दें। तो ये मैंने लिस्ट दे दी दोस्तों यहाँ पे नेबरिंग कंट्री की, जो भी कंट्री नेबरिंग है उनके प्रेसिडेंट भी हैं इसमें, और उनकी राजधानी भी है, और ये लास्ट में करेंसी भी दी। तो भूटान है, वहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं है, वहाँ जो भी महाराजा राजा जो भी चलते हैं वहाँ पे वो है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, और नलगुट्टम वहाँ की जो है करेंसी। ऐसे चाइना की आप देख लीजिएगा, सबकी करेंसी मैंने दे दी है। म्यांमार की क्या होती है, नेपाल की देखो दी है, नेपाली रुपया, ठीक है। ऐसे पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया चलती है, श्रीलंका में श्रीलंकी रुपया, श्रीलंकन रुपया चलता है। तो ये नेबरिंग कंट्री आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का 12 मार्च का थर्ड चैप्टर का जीए का क्वेश्चन है, एसएससी सीएसएसएल 2018 का। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि रिलेटिंग रिलेटेड टॉपर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जो है कि रिलेटेड टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए एनालिसिस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड टॉपिक आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो अभी नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन आइकन को दबा लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो लगातार आप सभी को मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लिसनिंग। थैंक यू।